शुक्रवार 17 नवंबर को केंद्रीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे गोड्डा दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने जहां अडानी पावर प्लांट का जायजा लिया, वहीं झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार उनके द्वारा दी गई राशि खर्च नहीं कर पा रही है। 2020 से लेकर 2023 तक केंद्र द्वारा दी गई राशि का महज 16% ही अब तक राज्य सरकार खर्च कर पाई है। पर्यावरण का विभाग ऐसे अनेक प्रकार की राशि का उपयोग समय पर नहीं होना और उसमें भी दिलचस्पी नहीं होना, पता नहीं केंद्र हो या राज्य हो, जो पैसे आ रहे हैं अधिकांश पैसे तो केंद्र के द्वारा ही आता है। हाँ, सर जितनी योजनाएं केंद्र सरकार दे रही है, अगर समय पर वो धरातल पर और भी उतर जाए तो झारखंड का राज्य विकास और भी पराकाष्ठा पर जाए। लेकिन मैंने देखा कि सड़कें हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है, पता नहीं क्यों वहाँ सड़कों की हालत ऐसी कि मुझे घंटों लग गया वहाँ जाने में, तो सड़कों की हालात और अच्छी होनी चाहिए थी। तो विकास के मद में राशि को भारत सरकार बहुत दे रही है, किंतु राज्य सरकार उसका सदुपयोग करे और समय पर। किंतु मुझे लगता है कि कई बार राज्य के धन का, राज्य सरकार के द्वारा उस धन का बिचौलिया और आपस में जिस प्रकार के बंदरबांट होते हैं, इस पर राज्य सरकार को गौर करने की आवश्यकता है। केंद्र जबकि किसी तरह की कोई प्रस्ताव केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित नहीं है, जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार ने की। श्री चौबे ने आगे बोलते हुए कहा कि संथाल, परगना, गोड्डा, दुमका, देवघर में तीन बड़ी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि रांची, बोकारो, जमशेदपुर में ये योजनाएं चल रही हैं। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र के संचालित जनजातीय क्षेत्र विशेष की योजना का लाभ आम जनता तक ठीक ढंग से नहीं पहुँच रहा है। इसी तरह का दौरा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में किया, जहां लोग तो जागरूक है लेकिन विकास से अब भी बड़ा क्षेत्र अछूता है। सुंदर पहाड़ी में सड़कों का बुरा हाल है, पहाड़पुर जाने में घंटों लग जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2070 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो समिट में ये वादा किया है कि भारत में कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जीरो करना है और इस मिशन में लगातार काम भी हो रहा है। वहीं मंत्री जी ने जाति गणना और ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने वाले सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि हम जाति की नहीं जमात की बात करते हैं, ये सब तुष्टिकरण है, हम गरीबी कम हो इसकी बात करते हैं। लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने का, और उसमें जो एक मैसेज पूरे संदेश को देश में और दुनिया भर को पहल जो किया है पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने का, तो हमें प्रकृति भी चाहिए और प्रगति भी चाहिए, हमें नेचर भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। तो नेचर, कल्चर और लिटरेचर, हमें विरासत में जो चीज़ें मिला है उसको भी हमें आगे ले जाना है, लेकिन प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। प्रकृति रक्षित ही रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। तो प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन ये आवश्यक है।